Welcome back to our channel, Teacher Badgy Pro. Please like and subscribe. Thank you. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे जी, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे साथ रखे। अच्छा, आज जो मैं आपको गला बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ बोट गला। ठीक है जी, आजकल बड़ा इन है ये बोट गला, तो मैं आपको बताऊंगी आज बोट गले की क्या, किस तरह बनाया जाता है, किस तरह इसकी ड्राफ्ट की जाती है और किस तरह इसकी कटिंग की जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास जी चिप्स बुकरम है, ये देख लें, चमक वाली साइड है और ये चमक से बगैर वाली साइड है। पेन है और ये हमारे पास इंची टेप है, स्केल से भी आप काम कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको मैं बता दूं कि बोट गला बनाने के लिए लेडीज़ की हेल्थ पे मुनसर होता है कि वो कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं, तीरा कितना है उनका, कितना नहीं है। कई लेडीज़ होती हैं वो मोटी होती है तो उनका तीरा थोड़ा सा चौड़ा होता है, और कुछ लेडीज़ होती हैं वो पतली होती हैं तो उनका तीरा थोड़ा कम होता है। तो ये आपने उनको देख के बनाना है कि किसका तीरा कम है, किसका तीरा ज़्यादा है। ये नहीं कि जिसका तीरा कम भी है तो आप उसका गला भी उतना ही बना रहे हो जितना मैं आपको कटिंग पे बताऊंगी। नहीं, आपने उनका पहले तीरा मैच करना है कि तीरा कितना हो रहा है आपका। तो आप जैसे का तीरा उसका कर लोगे, मैच कर लोगे, तो उसके बाद आपने देखना है कि हमने उसका उसके हिसाब से गला कितना बनाना है। तो जैसे अब मेरे पास इनका जो तीरा है, मेरे पास है इनका तीरा 16 इंच। ठीक है जी, एक मेरे पास लेडीज़ है, उनका तीरा है हमारे पास 16 इंच। तो हम उनके गले की चौड़ाई लेंगे तकरीबन 9 इंच। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 9 इंच हम तीरा लेंगे, 16 इंच हमारा तीरा है, तो 8 और 8 16 होते हैं। ठीक है, 8 और 8 16 होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कितना लिया है, 4.5 हमने इसकी चौड़ाई लेके, आप 5 भी ले सकते हो जितना वो लेडीज़ का है उसके हिसाब से आप गला बना दें। अच्छा, जो इसकी गहराई है ना वो आपने तकरीबन इसकी लेनी है 4 इंच। ठीक है, 3.5 भी ले सकते हो आप, लेकिन 4 इंच ले लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लेडीज़ थोड़ी सी मोटी है। लेकिन अगर कोई पतली लेडीज़ है तो उसका आप 3.5 पे ही लोगे। ठीक है, 3.5 से आपने ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन ये थोड़ी सी लेडीज़ हमारे पास हेल्थी है। जैसे तीरा मैंने अभी बताया, जितना तीरा होता है उसके हिसाब से काम करते हैं हम, तो इनका तीरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इनका गहराई भी थोड़ी सी 0.5 इंच में इजाफा कर देंगे। ये हमने लिया 4.5 पे फिर, और आपको मैंने पहले बताया है कि डब्बा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं देखिए आपको सामने डब्बा बना रही हूँ, इसको हमने इसके साथ मिला देना है, ये हमने मिला दिया। उसके बाद आपने यहाँ से 1 इंच ले लेना है, ये 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया इसका। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने ये कोने के ऊपर हाथ रखना है, ये जो चेपी का कोना होता है ना इसके ऊपर आपने हाथ रख के और पेंसिल को इतना लंबा करना है कि ये खुद ब खुद यहाँ से ये देखें, ये खुद ब खुद आप अपने हाथ, आपको परेशानी कोई नहीं होगी, सिर्फ आपने इसको घुमाना है। देखिए, मैंने हाथ को नहीं घुमाया, मेरा हाथ अपनी जगह पे है और मैंने ये वाला गला आपके सामने बना डाला। ये जितनी दफ़ा भी मैं घुमाऊंगी ना ये इसी लाइन के ऊपर जाएगा। ये देखें, आपने कोने के, ये जो कोना है ना इस कोने के ऊपर से आपने हाथ नहीं उठाना। ठीक है, पेंसिल को आप इतना लंबा करें कि यहाँ आ जाए, जब यहाँ आ जाता है तो ये खुद ब खुद ही, ये देखें, एक कोने से उठेगा तो दूसरे कोने से जाके टच हो जाएगा। ये देखें, आपके सामने मैंने किया। उसके बाद आपने 1 इंच का पैटर्न बनाना है, तो ये 1 इंच पे निशान, ठीक है, ये 1 इंच पे निशान, ये जो आपने गोलाई कर रखी है ये गोलाई वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपकी ये वाली इंची टेप की ये वाली जो ये स्टेप आ जानी चाहिए। इसके ऊपर आपने क्या करना है कि इसको इसके ऊपर रख के लाइन के ऊपर ये एक पे पॉइंट आपने ये निशान लगाते चले जाना है। पॉइंट भी बोलते हैं इनको और निशान भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, हाथ को आपने थोड़ा सा घुमाना है ताकि आपकी ये गोलाई बिल्कुल सही जाए। जब ये पॉइंट आप लोग लगा लेते हैं तो फिर आपने इन पॉइंटों को मिलाना आसान हो जाता है। इन पॉइंटों को आपस में इस तरह करके आप मिलाते चले जाएं। ये देखिए, मैंने मिला दिया आपके सामने पॉइंट सारे। उसके बाद आपको कटिंग करने का तरीका बताऊँ। सबसे पहले आप ये चीज़ कटिंग कर लें, चेपी के ऊपर हाथ रखें ताकि चेपी जोन सी है अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद आपने ये जो इसकी पहली वाली गोलाई है ये आपने हटा देनी है। ये देखिए, मैंने हटा दिया, चेपी भी हटा दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से पकड़ें आप और यहाँ से इसको काटते चले जाएं। ये पैटर्न आप बेशक संभाल के रख सकती हैं। नेक्स्ट गला किसी का बनाना हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है। ये देखें, मैंने बोट गला कितना खूबसूरत बनाया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितना खूबसूरत बन गया है। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपके बड़े काम का होता है। इसको आपने जिनका भी आपने बनाना है गला, तो उनका नाम आप लिख के यहाँ पर, तो ये पैटर्न उनको सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम पे जैसे कस्टमर की कोई चीज़ आए, चाहे कोई भी गला उन्होंने बोर्ड बनवाना हो चाहे कोई भी बनवाना हो, तो चौड़ाई का हम इजाफा जो है इसका हिसाब लगा सकते हैं कि हमने कितनी चौड़ाई लेनी है। तो अगर उन्होंने ये वाला गला बोर्ड बनवाना हो नेक्स्ट टाइम पे भी, तो आपके पास ये पैटर्न मौजूद होता है, आप आराम से इसको रख के चेपी के ऊपर कटिंग करके गला बना के दे सकती हैं। ठीक है, ये पैटर्न भी हमारे पास बहुत काम का होता है। तो आप ये देख लें कि कितना प्यारा मैंने ये बोट गला आपके सामने बनाया है।
हमेशा याद रखें कि जितना कस्टमर कहे ना कि हमने इतना गला पहनना है, उसी के हिसाब से आपने गला बनाना है, उससे ज़्यादा इजाफा आपने नहीं करना। और बोट गला बनाने के लिए सबसे पहले तीरे पे इनसार करना पड़ता है आपको कि तीरा कितना चौड़ा है, कितना पतला है, कौन सी लेडीज़ मोटी है। सारी बात है, जब कस्टमर सामने आती है या अपने घर में आपकी लेडीज़ कोई होती है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हो देख के उनको कि हमारे पास ये कितनी वीक है और ये कितनी मोटी है, तो उसके हिसाब से आप उसे तीरे की चौड़ाई लेके गला आसानी से काट सकते हो। लेकिन गहराई में इजाफा आपने नहीं करना। पतली लेडीज़ के लिए आप 3.5 रखोगे, 3-3.5 रख सकते हो, और मोटी लेडीज़ के लिए 4 इंच से ज़्यादा आपने गला नहीं रखना, चाहे वो जितनी मर्जी मोटी क्यों ना हो, लेकिन उसका गला आपने 4 इंच ही रखना है, 4-4.5 बस। ज़्यादा ज़्यादा इजाफा करेंगे तो 0.5 इंच इजाफा करेंगे, इससे ज़्यादा आप इजाफा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट पे जाके आपको चीज़ बताती हूँ कि बोट गला, जारी बात है फ्रंट बैक गला एक ही जैसा होता है। ठीक है, जैसे हमने फ्रंट पे ये गला बनाना है ना, तो बैक का भी गला इतना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जब ज़्यादा गहराई कर देंगे तो जारी बात है फिर कमीज जो है ना वो बहुत बुरी लगने लग पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इतना ज़्यादा एक तो चौड़ा होता है, दूसरी बात है कि गहराई में तो आराम से इंसान का सर जो है आराम से जा सकता है ये वाला। तो इसे सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि फ्रंट बैक गला बनाने के लिए आपने सबसे पहले तीरे का हिसाब लगाना है, उसके बाद आपने गहराई उतनी ही रखनी है जितनी मैंने आपको बताई है, इससे ज़्यादा आप गहराई नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो इससे फिर अगर ज़्यादा गहराई हो जाए तो फिर बहुत बुरी लगती है, और यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई भी हो जाए तो आपको पता है फिर लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो ज़रा महसूस करती है कि हमें, जारी बात है हर लेडीज़ कुछ ना कुछ तो पहनती है ना, तो फिर उसके हिसाब से ये जो चीज़ है ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने अभी बोट गला बनाना बताया है ये आपको समझ में खूब अच्छी तरह आ गया होगा। तो आजकल ये गला बहुत इन है, तो ईद आने वाली है, नज़दीक ही आ रही है, रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह आप ये वाले गले ज़रूर अपने कपड़ों पे बनाइएगा, लेकिन खूबसूरत से बना के और खूबसूरत से अपने लिए इस्तेमाल करिएगा। जो कस्टमर काम करने वाले हैं लोग वो भी खूब अच्छी तरह समझ लें कि ये गला बनाने के लिए आपको इतना ही मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। चैनल पर जाया करें जी, वीडियो देखा करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।